नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आईटीसी में सरकार अपनी जो पूरी हिस्सेदारी वो बेच सकती है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो उसके लिए तो है ही, लेकिन एक और चीज़ है, हिडन चीज़ जो आईटीसी के शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए कि दो ऐसे और बड़े स्टेक है सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समान, जिसके कारण ये शेयर और भी नीचे ड्राइव हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देख सकते तो लास्ट के 2 मिनट या 3 मिनट पहुंच जाइए दोस्तों, क्योंकि वो पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम अभी थोड़ा शेयर में बात करेंगे, उसके बाद इस वीडियो के अंत में जाकर के जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और वो है कि जो भयंकर गिरावट, जो दो और रीजन है जिसके कारण और भयानक गिरावट हो सकती है शेयर में, और क्या है वो चीजें और हमें क्यों उस चीज को जानना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल नए आए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम के दो ग्रुप है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते सबसे पहले आईटीसी के शेयर में। दोस्तों जिस दिन मैं बता रहा हूं, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आईटीसी ने लगभग 0.55% की गिरावट दिखाई दोस्तों, और ये गिरावट उतनी कठिन हम नहीं, उतनी ज्यादा नहीं बोलेंगे, देखते हुए कि निफ्टी में लगातार तीसरे दिन एक बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली दोस्तों। उसके सामने आईटीसी ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है जो कि चलता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस शेयर में अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों। ₹210, ₹215 और ₹220, ये तीन ऐसे हर्डल है दोस्तों इस शेयर के, जो जब तक अच्छे वॉल्यूम से टूटेंगे नहीं दोस्तों, मान के चलिए इस शेयर में कोई कितना भी बड़ा बातें बोल ले, कुछ भी नहीं बोला जाए, कुछ भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों। और नीचे तरफ 198 का दोस्तों बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। 200 तो एक मैं बता दूं आपको, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो कि एक बहुत अच्छे सपोर्ट काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों 198 ना एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आईटीसी को लेकर के, और इसके लास्ट टाइम भी 198 के आसपास ने बाउंस बैक लिया था दोस्तों, और अगर ये टूटता है दोस्तों 198 तो सीधा ₹190 के पास जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, मैं बता दूं तो। और ये सब दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे है, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, ऑपरेटर्स अपने स्टॉप लॉस को हिट कराने के लिए शेयर को उसके आसपास ले जाते हैं और फिर वहां से ऊपर ले आते हैं, इसीलिए दोस्तों कुछ भी सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है वो क्लोजिंग बेसिस पे होता है दोस्तों, ठीक है। आईटीसी दोस्तों देखिए, अच्छा स्टॉक नहीं है या नहीं है इस मैटर में अगर मैं कुछ बात करूंगा तो मेरी बेवकूफी है, और अगर आपको नहीं पता तो आप स्टॉक मार्केट में क्यों है ये नहीं पता मुझे दोस्तों, क्योंकि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसे लगभग हर कोई ट्रैक करता है दोस्तों, और हर एक ब्रोकरेज हाउस कहता है कि इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहे दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं जब लॉन्ग टर्म कहता हूं ना, और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं दोस्तों, डिस्क्लोजर के लिए, कि भैया आईटीसी में मेरी भी अच्छी खासी दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए ये शेयर जब मैं लॉन्ग टर्म बोलता हूं ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म तो वो दोस्तों ना 1 साल या 2 साल नहीं होता दोस्तों, लगभग 3 से 5 साल दोस्तों, 3 से 5 साल। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, आज मुझे बहुत अच्छा आर्टिकल मिला है, उसमें मैं आपको अच्छे समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे ये तो हो गया दोस्तों शेयर की बात, अब आगे चलते हैं थोड़ा और कुछ देखते हैं दोस्तों। तो एक पॉजिटिव न्यूज जो आईटीसी को लेकर है, जो कि एक चीज दर्शाती है दोस्तों, जो मैंने इससे पहले वीडियो बताया था कि आईटीसी क्यों एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है दोस्तों, और फ्यूचर्स का अच्छे से इंटैक्ट है, उसका है ये दोस्तों। आप इस आर्टिकल में देखिए, आईटीसी ग्रुप्स अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज इन फाइनेंशियल 21 अप बाय 29%। और दोस्तों ये जो इंक्रीज हो ना एक्सपोर्ट में, उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो आपको इस लाइन में मिलेगी दोस्तों, कि भैया ये देखिए, हाँ, आईटीसी टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ आईटीसी ग्रुप फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल 21 रोज 29.08% टू ₹5,934 करोड़, द कंपनीज लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट सेड, ठीक है, 29.08% बढ़ा है, मतलब कितना परसेंट बढ़ा है, मतलब कितना, 5,934 करोड़। लेकिन जो देखिए दोस्तों, जो सबसे अच्छी चीज है इसमें, व्हाइल द एक्सपोर्ट एक्सचेंज अर्न बाय आईटीसी वाज अप बाय 31.2% टू ₹4,600 करोड़, मेनली ऑन अकाउंट दोस्तों ये लाइन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्री कमोडिटीज। दोस्तों ये आईटीसी के होटल्स के बारे में हमें पता था, होटल्स अब जैसे खुल रहे हैं आप नॉर्थ, जो हमारे जो
उत्तर उत्तरी के जो राज्य हैं वहां पर आप देख रहे हैं सैलानियों की भीड़ पड़ी हुई है दोस्तों। होटल इंडस्ट्रीज की फिर से रिवाइव होने वाली है और गजब की भागने वाली है दोस्तों। स्कूल्स भी कहा जा रहा है पंजाब खोल रहा है, आईसीएमआर ने कहा स्कूल खोलो, यानी कि इसकी जो कॉपीज है दोस्तों, कॉपी एंड क्लासमेट मतलब कॉपीज और बाकी जो स्कूल के संबंध वो भी ओपन होगा दोस्तों। और आप देखिए इसका जो एग्री बिजनेस है दोस्तों वो भी गजब का काम कर रहे हैं दोस्तों एक्सपोर्ट में, और इंडिजीनियसली तो बढ़ेगा क्योंकि मॉनसून अच्छा होने वाला है दोस्तों। इससे तो एक चीज होगी कि आने वाला समय आईटीसी के लिए अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन जो ये है ना दोस्तों कि अच्छा इसके स्टॉक प्राइस में क्यों नहीं दिखाई देगी, हम आगे वाले जो आर्टिकल है उसमें अच्छे से चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और उसको मैं बताता हूं आपको कि भैया ऐसा क्यों है। तो दोस्तों आप देखिए एक न्यूज है ये कि भाई गवर्नमेंट considering to sell its 7.93% stake in ITC Limited via SUT. ये क्या है आगे अपन धीरे से देखेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों 7.93% stake ना छोटा नहीं होता। आप याद होगा अमर राजा बैटरीज में 5% की क्या गिरावट आई, आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया स्टॉक दोस्तों, ठीक है। और ITC तो वैसे भी बिल्कुल डेड स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों असली कहानी ये नहीं है दोस्तों, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है दोस्तों वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। आप देखिए कि भाई सेंटर होल्ड शेयर ऑफ आईटीसी लिमिटेड थ्रू द स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एट मंडे 19 जुलाई क्लोजिंग प्राइस ऑफ, ये इसका है, ठीक है, ये इसकी प्राइस क्लोजिंग प्राइस। नाउ द सेंटर इज सेट टू बी कंसिडरिंग ऑल ऑप्शन including the bulk sale of share on stock market and strategic disinvestment to domestic investor. देखिए दोस्तों हमारे पास ना फिजिकल जो फिजिकल डेफिसिट आया है ना कोरोना वायरस के कारण, उसको सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके पूरा कर सकती है दोस्तों, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है दोस्तों, और कोई चारा नहीं है। इसलिए सरकार बहुत एग्रेसिवली अपने जो स्टेक से बड़ी बड़ी कंपनी में सेल कर रही है दोस्तों, और आईटीसी में भी पूरी एक साथ सेल करने की बात चल रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि एक साथ नहीं, इसको सेल करना बहुत टफ होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगली चीज जो मुझे ज्यादा खतरनाक लगती है, इट शुड बी नोटेड दैट स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होल्डर 16.25% स्टेक इन आईटीसी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा 16.65% की स्टेक रखता है इसकी एलआईसी दोस्तों। और दोस्तों जिस दिन एलआईसी ने इसे सेल किया, क्योंकि देखिए अब आईपीओ आ रहा है दोस्तों, एलआईसी का अब आईपीओ आ रहा है, और अगर इसने एलआईसी ने सोचा कि हम अपना स्टेक कम करें, अगर ये शेयर भागता है तो दोस्तों मान लीजिए कल कोई ₹250 तक जाता है और एलआईसी चाहता है कि ये बहुत टाइम से डेड शेयर था, हम इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं दोस्तों, तो वो चीज शेयर को फिर ड्रैग करेगी दोस्तों नीचे की तरफ, और जितना ये मोमेंटम पाएगा उतना खोएगा। और तीसरी चीज दोस्तों देखिए जो एक चीज है जो हमेशा कहते हैं डीमर्ज 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 आईटीसी क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है दोस्तों, अदर द लंडन हेडक्वार्टर्ड ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैट होल्ड्स 29.4% स्टेक इन कंपनी। दोस्तों जब तक ये है ना, ये आप मान के चलिए आईटीसी में डिसइन्वेस्टमेंट, आईटीसी डीमर्ज होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर वो होता है दोस्तों तो ये जो कंपनी है अपनी जो होल्डिंग है, जो इनकी जो डोमिनेटिंग होल्डिंग है वो खो जाएगी दोस्तों। इसीलिए डीमर्ज होने के लिए इन्हें अपनी जो स्टेक है वो लिक्विड करना पड़ेगा दोस्तों, उन्हें अपनी स्टेक डिसॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन बैट उसको लेकर के बिल्कुल भी रेडी नहीं है दोस्तों। और जब तक अमेरिकन टोबैको कंपनी का टैक्स में लगे रहेगा दोस्तों ESG नॉर्म यानी जो ESG फंड है, जो ESG को फॉलो करते हैं, एनवायरमेंट एंड सोशल जो चीजें देखते हैं दोस्तों, ठीक है, वो फंड का पैसा नहीं आएगा दोस्तों, आईटीसी नहीं भागेगा दोस्तों, शेयर मेरे और आपके पैसे से नहीं भागते दोस्तों, ये भागते हैं बड़े फंड्स के पैसे से। और जब से ESG नॉर्म नहीं, जब तक ESG नॉर्म अच्छे से फॉलो नहीं होंगे, देखिए फॉलो तो ये कर रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहा, नंबर वन कैटेगरी का अवार्ड भी पाया है दोस्तों, लेकिन जो फॉरेन फंड्स है आजकल, जब तक ये देखते हैं ना वो दोस्तों ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का होल्डिंग
तो वो सब भूल जाते हैं कि ये कंपनी क्या करती है और सिर्फ इसे टोबैको कंपनी की नजर देखा जाता है दोस्तों। इसीलिए जब तक ये दो हर्डल इसके पार नहीं हो जाते दोस्तों, आईटीसी और मोमेंटम या मल्टीपल स्टॉक लाना बहुत टफ है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिनिममली 3 से 5% की हो, 3 से 5 साल की होल्डिंग रखिए दोस्तों। आईटीसी गंदा स्टॉक बिल्कुल नहीं है, अगर इसमें गिरावट भयंकर आती है दोस्तों तो एक एक्यूमुलेट करने का मौका होगा दोस्तों, चुपचाप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आईटीसी के ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, है आईटीसी अगर गिरावट हो दोस्तों घबराना नहीं है। अगर अगर आप देखेंगे कि कल के जब मार्केट, आज जब मार्केट खुलेगा दोस्तों, अब जब मार्केट खुले और अगर आईटीसी में कैसा मोमेंटम आएगा ये हमें देखना है। देखिए शायद ये भी हो सकता है कि कोई फॉल्स न्यूज लाके नीचे गिरा के उठाना चाह रहा हूं माल, आजकल दोस्तों कुछ भी संभव है। इसीलिए पेशेंट रहिएगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं। अगर भयंकर सीवियर गिरावट होती है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता, अगर होती है दोस्तों तो सपोर्ट को याद रखिएगा, उस सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करना शुरू कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है चलो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और टेलीग्राम में हमारे दो जो ग्रुप है उसमें प्लीज जाके, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।